हेलो, देखो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो आपने टाइटल और थंबनेल पर देख ली होगी, यानी कि शिल्पग्राम। देखो शिल्पग्राम जो है वो उदयपुर में बसा एक प्लेस है, या फिर कह लो एक गांव है। वैसे अगर किसी गांव को बसना होता है तो भाई वहां पर लोग आकर रह जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली बस जाता है, लेकिन शिल्पग्राम जो है उसको एक पर्पस के लिए बनाया गया है। देखो आज का हमारा मॉडर्न टाइम जो है जिसके अंदर हम पूरी तरह से वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, हम मॉडर्न तो होते जा रहे हैं लेकिन हमारा कल्चर जो है उसको हम भूलते जा रहे हैं। भारत की 70% आबादी जो है वो गांव के अंदर निवास करती है, लेकिन वो 70% आबादी में से मैक्सिमम लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, या फिर कह लो कि भाई अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को रिवाइव करने के लिए शिल्पग्राम जैसे प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जाते हैं, जिससे हमारे कल्चर को प्रमोट कराता है। पुराने समय की हमारी जो भी चीज़ें थी, जो भी गैजेट्स हम यूज़ करते थे, हमारे एंटरटेनमेंट के साधन क्या थे, पुराने टाइम में लोग किस तरह से रहते थे, कैसे घरों के अंदर रहते थे, वो सब चीज़ें शिल्पग्राम के अंदर आपको दिखाई जाती है। यहाँ पर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट से लेकर के लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, पुराने स्टाइल के घर, हवेलियाँ जैसी चीज़ें भी आपको शिल्पग्राम के अंदर देखने को मिल जाती है। हर साल शिल्पग्राम जो है वो 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आयोजित होता है। ऐसे तो भाई शिल्पग्राम पूरे साल के लिए उदयपुर में ही रहता है, कहीं जाता नहीं है, लेकिन ये 10 दिनों के अंदर यहाँ पर एक भव्य मेला लगता है। इस भव्य मेले के अंदर बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं जिसमें दूसरे स्टेट के लोग जो है वो भी भाग लेते हैं यहाँ पर। अब शिल्पग्राम का मेला आयोजन करने का जो भी जिम्मा है वो पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र का है, और यही यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाता है, यहाँ पर जो भी स्टॉल वगैरह है उनको लगाता है, और हमारे जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी पुराने टाइप के व्यापारी है, जो कि आज भी हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रमोट करता है। अब वैसे ये सब चीज़ें जो है वो एकदम टिपिकल वीडियो जैसी हो रही है, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा लग नहीं रहा। एक काम करते हैं, डायरेक्ट शिल्पग्राम ही चलते हैं। फाइनली पहुंच गए शिल्पग्राम। ये पार्किंग लगी हुई है, बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पर, और इसी के साथ में आपको यहाँ पर बाजार जो है साइड में वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी ये शिल्पग्राम का मेन गेट है, इसी के पास में यहाँ पर टिकट काउंटर भी बना हुआ है, यहाँ से हमको टिकट लेना पड़ता है, नहीं तो ये अंदर जाने नहीं देते। अब 55 रुपये पर पर्सन देने के बाद में भाई हम लोग अंदर चलते हैं, और जैसा एक्सपेक्ट किया था वही होता है, बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती है हमको यहाँ पर। बाकी एंट्री पर ही हमको सबसे पहली परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है, इनके कपड़े और म्यूजिक को देखकर तो भाई ये भांगड़ा सा लग रहा है, लेकिन इनका डांस भाई मेरे को लग नहीं रहा कि ये भांगड़ा है। बाकी आप कमेंट में बताओ क्या है ये। कल्चरल प्रोग्राम का मजा बिगाड़ दिया पूरा इन लोगों ने। या। अब मेले से अगर आपके दिमाग में वो टिपिकल सी इमेज बन रही है तो भाई शिल्पग्राम वैसा मेला बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हुई है, जितना भी कंस्ट्रक्शन है, जितनी भी दुकानें वगैरह है, वो सब ऐसे मिट्टी और लकड़ी की बनी हुई है और पत्थरों का यूज़ करा गया है। थीम पार्क जो होते हैं उसी टाइप से आप इसको एक थीम मेला भी बोल सकते हो, जिसका थीम कल्चरल है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें लगी हुई है जिनके अंदर आपको अच्छा अच्छा सामान देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली बाजार में आपको नहीं मिलेगा। बाकी थोड़ा आगे चलते ही हमको यहाँ पर ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट देखने को मिले, हालांकि ये स्टैचूज हैं लेकिन फिर भी अच्छे बनाए गए हैं। सबसे पहले आपको ये पियानो देखने को मिलता है, इसके बाद में ये हारमोनियम देखने को मिलता है। बाकी ये क्या है मेरे को नहीं पता, कमेंट में बताना आप। बाकी इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के साथ में आपको एक लाफिंग बुद्धा का स्टैचू भी देखने को मिल जाता है, जिसमें 2 लाफिंग बुद्धा खड़े हैं। ये बड़ा कैजुअल है। बाकी दुकानों को और फॉलो करते गए तो भाई हमको और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिले, लेकिन ये ऐसे थोड़े क्लासिक टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहले हमको ये सरोद देखने को मिला, वीणा जैसा ही लग रहा है लेकिन ये इसको सरोद बोलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक रण सिंह भी देखने को मिलता है, जो कि ऐसे भोंपू टाइप का है, यूनिक सा है बहुत। बाकी इसके पीछे आपको ये मंजीरा वगैरह भी देखने को मिल जाता है। अब ये वीडियो ना ऐसे वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई उस टाइम पे मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, शर्म भी आ रही थी थोड़ी बहुत उनसे। अब मेरा खुद का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भाई दोस्तों को सिखाना पड़ रहा है कि भाई कैसे काम करना है यार। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसे यूनिक से स्टैचूज भी देखने को मिले, जिसमें सबसे पहले देख सकते हो आप भेड़ बकरी चराने वाले हैं।
आगे हमको मछुआरों के स्टैचू देखने को मिल जाते हैं। हाँ ये कर लो पहले। बाकी आगे मार्केट पूरा और शुरू हो जाता है जिसमें ऑल इंडिया के मतलब लोग आकर यहाँ पर सामान बेच रहे हैं, अलग अलग टाइप की चीजें हैं जो जहां जहाँ की फेमस है वो वहां वहां ला के यहाँ बेच रहा है। बाकी एक खिलौने वाले हमको देखने को मिले जिससे मतलब पूरा बचपन याद आ गया, नॉस्टैल्जिया फील हो गया हमको पूरा। अब इन्हीं दुकानों के बीच चलते हुए हमको एक म्यूजियम दिखा जिसके अंदर एग्जीबिशन लगा हुआ था। पेंटिंग की ना एक स्टाइल होती है मुरल आर्ट्स, उसी के अंदर यहाँ पर ये बहुत सारी पेंटिंग बनाई है जिसका एग्जीबिशन लगा हुआ है। जितनी भी पेंटिंग्स है वो सारी हमारे भगवानों की बनाई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो भगवान विष्णु की है यहाँ पर, गणपति बप्पा की है, हनुमान जी की है, बाकी और भी बहुत सारे भगवान हैं यहाँ पर जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। बाकी म्यूजियम के बाद में हमको पूरा ऐसे और मार्केट देखने को मिलता है जहाँ पर खाने पीने की दुकान, साड़ी कपड़े वगैरह की दुकानें लगी हुई है। अब इसी मार्केट के आगे हमको यहाँ पर दो बिल्डिंग्स और दिखी जिसमें सबसे पहला है ये कला निवास, जिसमें कुछ खास नहीं है ऐसा, खाली बिल्डिंग बनाकर रखी हुई है झोपड़ी टाइप की। उसी के सामने हमको म्यूजियम देखने को मिला जो कि है कला विहार। अब म्यूजियम के अंदर जाते ही हमको पेंटिंग्स देखने को मिली फॉर श्योर। ये पेंटिंग जो है वो फड स्टाइल की बनी हुई है, फड स्टाइल की पता तो भाई गूगल कर लेना। हमको लगा इसके अंदर कुछ होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इनविजिबल कला का प्रदर्शन करा जा रहा है। इसी के अंदर आपको कठपुतली का भी म्यूजियम देखने को मिलता है लेकिन ये कठपुतली वाला भी बंद है यहाँ पर। अब इसके अंदर कुछ मिला नहीं तो भाई दो तीन फोटो वोटो खींचे और हम निकल गए इसके बाहर। इसके बाद हमको फिर से पूरा मार्केट देखने को मिला। और फिर हम थोड़ा और आगे चले और हमको एक डैम जो है वो भी देखने को मिला यहाँ पर। डैम भी जो है वो मिट्टी का बना हुआ है देख सकते हो, हालांकि डैम में पानी नहीं है वो अलग बात है, वैसे वो बंदा क्या कर रहा है वहाँ पर, खैर चलो उसका पर्सनल काम होगा कोई। बाकी हम और आगे चलते गए और हमको और मार्केट दिखता गया। फिर मैंने सोचा कि भाई ये मार्केट ही क्यों दिख रहा है यहाँ पर, कैसे कुछ दूसरी यूनिक चीज़ें क्यों नहीं दिख रही। तो फिर थोड़ा चलने के बाद रियलाइज़ हुआ कि भाई हम दूसरे एंड पर आ गए इसके, यानी कि जो दूसरा गेट है इसका वहाँ पर आ गए। एक टाइप से कहो तो भाई हमारा पोपट हो गया यहाँ पर। फिर पूरे मार्केट से हम वापस रिटर्न करें, फॉर श्योर हम थक गए यार, दुखने लग गए पैर हमारे। अब वापस रिटर्न करने के बाद में हम शिल्पग्राम के सबसे टॉप एरिया जो है वहाँ पर गए जहाँ पर हमको एक जाइंट व्हील देखने को मिला। सूर्य मंदिर के अंदर जैसा बना होता है एक बड़ा सा व्हील, या फिर इसको रथ का पहिया भी बोल सकते हो आप। अब देखने में तो भाई ये काफ़ी सुंदर लग रहा था लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम थक गए थे तो भाई थोड़ी देर बैठ गए यहाँ पर। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से नीचे उतरे और हमको दिखी यहाँ की सबसे सुंदर चीज जो कि है पेटापुर की हवेली। पेटापुर जो है वो गांधीनगर के पास में बसा एक छोटा सा शहर है जहाँ पर ये 100 वर्ष पुरानी ऐसी हवेलियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन हवेलियों की खास बात ये है कि भाई यहाँ पर जितना भी ऐसे नक्काशी करी गई है वो सभी ऐसे लकड़ियों पर बनाई गई है, आप देख भी सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये। इस पर भी हमने ढेर सारे फोटोज खींचे। और फिर हम आगे बढ़े एक और यूनिक चीज की तरफ जो कि है नागा मोरंग। ये भी एक यूनिक शेप की बिल्डिंग कह सकते हो या फिर झोपड़ी कह सकते हो, देखने में काफ़ी मस्त लग रही थी। अब इसके बारे में कुछ डिटेल वगैरह लिखी नहीं थी लेकिन हमको देखने में अच्छी लगी तो भाई हमने इसको थोड़ा वीडियो वगैरह बना लिया है। इसके अंदर भी आपको लकड़ी के ऊपर ही ऐसे मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिल जाएगी, लकड़ियों के ऊपर ही थोड़ा बहुत आर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। नागा मोरंग के पास में ही हमको परफॉर्मेंस ऑफ द डे भी देखने को मिल गई जो कि इस भैया की है। अरे बोले वन गंगा जी मैं केड़ग मर बड़े मजागी जोगणी मर जनता में तारी चांदनी मन डगमण में वादी खुशी रुम्मा 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 रुम्मा। कमेंट कर जरूर बताना कैसा लगा आपको ये। बाकी एक छोटी सी झोपड़ी और बनी हुई है जिसको दक्षिण महाराष्ट्र से लिया गया है। ऐसी झोपड़ियाँ भी गाँव में बहुत देखने को मिल जाती है लेकिन इसका शेप जो है वो आपको ऐसे स्क्वायर टाइप का देखने को मिलेगा, तो भाई मेरे को यूनिक लगी तो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसी टाइप की आपको यहाँ पर बहुत सारी झोपड़ियाँ और भी देखने को मिलती है, कम नहीं है झोपड़ियाँ, मतलब एकदम गाँव वाली फीलिंग तो आपको आती है शिल्पग्राम के अंदर।
अब हमको और भी यहाँ पर ऐसे छोटी मोटी बिल्डिंग्स या फिर कह लो झोपड़ियाँ वगैरह देखने को मिली, जिनके अंदर जो अभी यहाँ के ऑफिसेज है वो बने हुए हैं। यानी कि अब शिल्प का मेला पूरा हैंडल कर रहे हैं, तो भाई इनके वर्क स्पेस भी तो होना चाहिए इन सब के लिए। तो भाई ऐसी ही झोपड़ियों में यहाँ पर इनके वर्क स्पेस जो है वो बना कर रखे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसके बाद हम लोग गए यहाँ के रंगमंच के ऊपर, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी परफॉर्मेंस होती है वहाँ पर पूरा स्टेज बना हुआ है, आप देख सकते हो ये, और पूरा ऑडिटोरियम टाइप ही है, ओपन ऑडिटोरियम है। अब यहाँ परफॉर्मेंस जो है वो 6-6:30 बजे बाद ही शुरू होती है, अंधेरा हो जाने के बाद में, लेकिन हमको थोड़ा जल्दी निकलना था तो भाई देख नहीं पाए वो। खैर वो नहीं देख पाए, लेकिन गणपति बप्पा का आशीर्वाद हमको ज़रूर मिल गया, गणपति बप्पा मोरिया। फिर एक और म्यूजियम हमको देखने को मिला जो कि काफी यूनिक था। अब म्यूजियम के अंदर जाते हैं तो भाई हमको मिट्टी से बनी हुई बहुत सारी बेहतरीन चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, मिट्टी का घोड़ा हो गया, वैसे ये घोड़ा जो है इसके अंदर कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हैं, मिट्टी के हाथी हो गए, खिलौने हो गए, सजावट का आइटम जो है वो भी ऐसे मिट्टी का बना हुआ है, पूरा ही म्यूजियम देखने लायक है। अब ये सब से मतलब पता चलता है कि भाई हमारे जो एंसेस्टर थे वो कैसे रहते थे, कैसी चीज़ों को यूज़ करते थे, इससे हमारे प्राचीन आर्ट एंड क्राफ्ट का भी पता चलता है। बाकी बाहर आने के बाद में हमको एक और मतलब फोटो के लिए ऐसे वॉल देखने को मिली जिसके ऊपर पेंटिंग बनी हुई है, इसी के पास में यहाँ पर परफॉर्मर्स भी बैठे हुए थे, लेकिन अभी ये आराम कर रहे थे तो भाई हमने इनको बोला नहीं कि भाई बजा कर दिखाओ ऐसा कुछ। फिर यहाँ पर हमको कैमल राइडिंग भी देखने को मिली, अगर आप करना चाहो तो भी कर सकते हो यहाँ पर आकर। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और यूनिक चीज़ जो कि है इंद्र विमान। ये एक बेसिकली बड़ा सा रथ है और इस रथ को खींचने के लिए 2 हाथियों की ज़रूरत पड़ती है। ये रथ जो है वो करीबन 100 साल पुराना है और ये झालावाड़ जिले से लाया गया है। पहले इसको झालावाड़ की जो रॉयल फैमिली थी वो तीज त्योहारों पर यूज़ करती थी। फिर आज़ादी के बाद में ये वाली चीज़ जो है वो एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप पर हमारे सामने खड़ी हुई है। बाकी और भी छोटी मोटी चीज़ें और हमको देखने को मिली। वैसे यहाँ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम जिस दिन गए वहाँ पर उस टाइम पर परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास हो नहीं रही थी। फिर एंड में जाते जाते हमको एक देवरा देखने को मिला। आदिवासियों में जो भगवान के मंदिर होते हैं उनको देवरा बोला जाता है, तो उसी टाइप की हमको एक झोपड़ी देखने को मिली और इसके अंदर डांस वगैरह भी हो रहा था। आदिवासियों की ऐसी संस्कृति है जिसमें मतलब अपने भगवान को खुश करने के लिए ये सब चीज़ें करी जाती है, तो भाई वो हमको देखने को मिली। ऑलमोस्ट लगभग सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। एक और परफॉर्मेंस ग्रुप जो है वो हमारे सामने बैठा हुआ था, फिर हमने थोड़ी रिक्वेस्ट करी तो भाई इन्होंने बजाना शुरू कर दिया। तो बस यही था एंड, लगभग पूरा हमने घूम लिया, वापस जहाँ से शुरू करा था वहीं पर वापस आ गए और यहाँ पर फिर से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हो रही थी। अभी भांगड़ा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मेरे को कुछ पता नहीं है, आप ही मेरे को कमेंट बताना कि भाई इसका ओरिजिनल नाम क्या है, कपड़े वगैरह से तो भांगड़ा ही लग रहा है ये, या फिर कह लो पंजाबी डांस ही लग रहा है मेरे को ये। 2-3 घंटे घूमे इसके बाद में हम वापस बाहर निकल गए और बोनस के लिए भाई मैं आपको दिखा देता हूँ एक और, जो कि मतलब शिल्पग्राम से बाहर के साइड में हो रहा था, जो एक्स्ट्रा मार्केट लगा हुआ है उसके अंदर। वैसे भारत के लोगों में कलाकारियाँ बहुत है, बस उनको ढूंढने की देरी है। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ये था आज के इस वीडियो के लिए शिल्पग्राम का टूर, जैसा मैं देना देना चाहता था। अब मैंने सोचा तो कुछ और था, ये वीडियो किसी और टाइम में बनाऊंगा, लेकिन बन कुछ और गया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब पसंद आया तो भी प्लीज़ लाइक कर देना,
चैनल की इंगेजमेंट बनानी हो तो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट भी कर सकते हो, आपकी फेवरेट चीज जो है वो भी मेरे को बता सकते हो शिल्पग्राम से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। टोपे वाला अय्या, मैं साउथ इंडियन है, तुम्हारा भाई लगता जी, वेलकम। थोड़ा मुस्कुराने के जी, अय्या रामा, ये काले काले गुलाब जामुन जैसे काल कितने अच्छा लगते, वेलकम। मुस्कुराने का अय्या रामा, इसे को सब्सक्राइब कर दे, ये बड़ा मासूम छोरा, अय्या रामा ये बड़ा बोला छोकरा लगता जी, इसे को सब्सक्राइब कर दे जी, अय्या रामा। ओके, मुस्कुराइए मेरे यूट्यूब वाले आका, और गुनगुनाइए मेरे यूट्यूब वाले आका, पूरे से मत जाइए मेरे यूट्यूब वाले आका, चैन तुमसे है, करार तुमसे है, और मेरी जिंदगी में बाहर तुमसे है, यूं तो लाखों हंसी है इस महफिल में, मगर क्या करें, इस दिल को प्यार तुमसे है मेरे यूट्यूब वाले आका।